हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ क्वांसरे के BCA फोर्थ सेम का पेपर के साथ। 2019 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। सो गाइस, BCA की एक अलग से प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर आपको और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो की क्वालिटी साफ ना दिखाई दे तो साइड से जाके आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का होता है। दिस पेपर कंटेन दो सेक्शन, टू सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। ऑल द क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। ए सेक्शन से आपको कंपलसरी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो बी सेक्शन है उसमें से कोई भी 5 करने हैं। सेक्शन ए में 4 मार्क्स ईच है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रूव द फॉलोइंग। तो ये जो फॉलोइंग है इसको आप प्रूव करिए, ठीक है। ए एम इज ग्रेटर एन इक्वल टू जी एम ग्रेटर एन इक्वल टू एच एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको इसको डिफाइन करना है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस है, या फिर आप और एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 200, वट इज द प्रॉबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 or 8। थर्ड क्वेश्चन है, 4 cards are drawn one by one without replacement from a pack of ordinary cards. What is the probability that 2 of them are king and remaining 2 queen? या फिर इसके बदले आप और में, द रैंक ऑफ 16 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आर गिवन इन buckets brackets as pairs 1, 1, 2, 10। तो इस तरह से आपको देखा है क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कैलकुलेट करना है इसमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द प्रोफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टू सब्जेक्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन एज फॉलोज। एक्स है 5, 6, 9, 11, वाई है 12, 13, 14 or 16। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 10, और प्रूव करना है जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर वाज फाउंड टू बी 40 and 15 रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर 43 and 53 वर अ मिसरीड एज 34 and 53 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। या और अगर आपको ये नहीं करना है, सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और में प्रूव दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नाउ वी कम टू सेक्शन बी, जो कि 10 मार्क्स ईच है। पर क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही किया है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, इसमें इवेल्यूएट करना है इस को बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, टेकिंग एच इज इक्वल टू 1/6, या फिर यही इसके बदले आप और करके यूजिंग सिम्पसन का रूल लगाना है 3/8 रूल, एवेलेट करना है इस क्वेश्चन को टेकिंग एच इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। सेवन्थ है, गिवन दैट ये टेबल दे रखी है आपको, फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.1। तो एक्स का जो रो है इसमें 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 है। देन वाई का इसमें आपको दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों दे रखा है। तो आपको सॉल्यूशन करके डी वाई बाई डी एक्स जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर और अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करना है तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर जीरो। इसको आप प्रूव करो। और एक्स इज अ बायनोमियल वेरिएंट विद द पैरामीटर एन और पी, एंड पी प्रूव दैट इट्स मीन एंड वेरिएंस आर एन पी एंड एन पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो इसको आप प्रूव करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, और एस्टिमेट करना द सेल फॉर 1966 यूजिंग अ सुटेबल फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग डाटा। ईयर एक्स एक साइड दे रखा है और सेल इन 1000 एक साइड दे रखा है। तो ये आपको टेबल बनानी है, ये टेबल आपको दे रखी है और आपको डाटा फाइंड आउट करना है। तो गाइज, यही थे सारे क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो बेनिफिट लगी होगी और आपके लिए।
और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर किया, अपने सिलेबस के साथ इस इन क्वेश्चंस को भी मैच आउट करिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इनमें से ज़रूर एक दो बनता है, तो आप इनको भी देख के ज़रूर जाइए। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।